देश की आजादी के दौरान डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कल्पना और फिर उनके अथक प्रयासों से अपने अस्तित्व में आई ये संस्था आज एक विराट रूप ले चुकी है। तब से लेकर आज तक देश प्रेम एवं समाज सेवा की सोच मन में लिए करोड़ों लोग इस संस्था की शाखाओं से जुड़ चुके हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ देश और समाज के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। उन करोड़ों लोगों में से कुछ ने संस्था के प्रति अपनी निष्ठा और मेहनत के चलते समाज में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उन सिपाहियों में से एक हैं आगरा के रहवासी योगेंद्र उपाध्याय। आगरा में जन्मे योगेंद्र थे, उनके पिता राजेंद्र बुलंद शहर से आगरा लाए गंगा तोड़ के ताले। बेसिकली हमारा परिवार अलीगढ़ जनपद अतरौली तहसील का है। अतरौली के हम लोग रहने वाले हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर अतरौली छोड़कर आगरा आए थे। आगरा में एक बहुत बड़ी पुश्तैनी कोठी उन्होंने एक जमीन खरीदवा कोठी बनवाई और वहीं रहा करते थे। बचपन मेरा वहीं बीता। आगरा स्थित पुरानी ईदगाह कॉलोनी के साधारण से ब्राह्मण परिवार में 30 जनवरी 1958 को इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम स्वर्गीय श्री राजेंद्र नारायण उपाध्याय और माता का नाम स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी था। आगरा में मैंने 3rd तक पढ़ाई की। इसके बाद हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री राजेंद्र नारायण जी उपाध्याय लखनऊ पोस्टिंग हो गई थी। नगर महापालिका लखनऊ में असिस्टेंट इंजीनियर थे, वहाँ पर शिफ्ट कर गए। 4th और 5th मैंने लखनऊ से किया। लखनऊ में बालका विद्या निकेतन एक विद्यालय है लाल बाग में, वहाँ पर रह के हम पढ़े। उसके बाद हमारे पिताजी का डेपुटेशन पर जयपुर चले गए राजस्थान रोडवेज में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होकर। तो फिर वहाँ पर रहे और 6th वहीं से किया। 7th के बाद हम आगरा शिफ्ट हो गए और उसके बाद आगरा ही हमारा पढ़ाई लिखाई सब आगरा में हुई। 7th, 8th, 9th, 10th ये मैंने बैप्टिस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल से किया। जब मैं 8th में था तो पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में मैं जा रहा था शाम को, तो मैंने शाखा लगते देखा और मैं वहाँ गया और वहाँ जाकर उस शाखा में सम्मिलित हुआ। और अटेंड करने पर मुझे लगा कि यहाँ पर हिंदुत्व की और राष्ट्र की हित में बात सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है और संगठित होने की शिक्षा दी जाती है। एक साथ खेलना, एक साथ किसी विषय पर सोचना, एक साथ चर्चा करना। तो तब से मुझको लगा कि मुझको यहाँ आना चाहिए। शाम को मैं जाने लगा। हमारा चूंकि परिवार पूरा कांग्रेस का परिवार था, तो एक बार मुझसे पिताजी ने पूछा तुम शाम को रोज़ कहाँ जाने लगे हो। तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पर एक RSS की शाखा लगती है उसमें जाता हूँ। तो उन्होंने मुझको इस बात के लिए डपटा, क्योंकि कांग्रेस विचारधारा होने के नाते वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने में ऐतराज़ करते थे और मुझे रोका। लेकिन मैं फिर भी लुक छुप कर, क्योंकि भावनात्मक रूप से मैं जुड़ चुका था, लुक छुप कर जाया करता था। जैसा मैंने कहा कि जो मुझे अच्छा लगता था, सही लगता था, उसके लिए मैं कहीं से भी विद्रोह करने के लिए मेरा मन आतुर रहता था। एक बागी नेचर, जैसा लोग मुझसे कहते थे बागी नेचर का है, तो वही नेचर मेरे को उस समय शाखा में भी जाने को मजबूर करता था। उन शाखाओं में देश प्रेम, समाज के प्रति अपने कर्तव्य आदि विषयों पर होने वाली गोष्ठियों ने बालक योगेंद्र के मन पर ऐसी छाप छोड़ी कि इन्होंने बड़े होकर समाज के हित में कार्य करने का मन बना लिया। एक बार जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं लौट रहा था एक ट्यूशन पढ़कर, तो नामनेर चौराहे पर वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उसके नेता राजकुमार सामा जी का भाषण चल रहा था। उससे पूर्व मैं जब 8th में था तब मैं संघ की शाखा में भी
जाया करता था। शाम को शाखा लगती थी तो कुछ संस्कार वहाँ के थे और कुछ राजकुमार सामा जी का प्रभाव भाषण का, क्योंकि बड़े ओजस्वी वक्ता थे वो। जब वो भाषण दे रहे थे तो मुझे लगा कि अगर मैं राजनीति करनी चाहिए तो जनसंघ एक राष्ट्रवादी राजनीतिक संगठन है, यहीं से शुरू करनी चाहिए। आगरा दक्षिण से आगरा के लोकप्रिय विधायक श्री योगेंद्र उपाध्याय, जो कि प्रदेश सरकार में सचेतक की भूमिका में भी हैं, उन्होंने आगरा के और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनसंघ से लेकर के भाजपा के भीष्म पितामह जाने जाने वाले व्यक्तित्व श्री राजकुमार सामा जी के नेतृत्व में राजनीति की पारी शुरू की। उन्हीं के मार्गदर्शन में वो कार्य करते रहे। बचपन में मैं भाषण बहुत अच्छा देता था और बैप्टिस्ट स्कूल की डिबेट टीम में का परमानेंट सदस्य रहता था। जब भी डिबेट कहीं पर भी आगरा में या और पास कहीं होती थी, प्रदेश लेवल तक मैंने बैप्टिस्ट स्कूल को रिप्रेजेंट किया है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी मैं डिबेट में रहा। शुरू से ही उन्होंने अपना एक आदर्श बनाया कि मैं जो काम करूँगा वो हमेशा जो है जनता के हित में, कार्यकर्ताओं के हित में करूँगा और सच्ची ईमानदारी से करूँगा। कभी कोई इस तरीके का आरोप नहीं लगवाऊंगा अपने ऊपर जिससे कि मेरे को कलंकित होना पड़े। इंटरमीडिएट मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ और फिर आगरा कॉलेज में मैंने प्रवेश लिया। बीएससी लॉ और एमए, ये तीनों मैंने आगरा कॉलेज से किया। आगरा कॉलेज से ही मैं छात्र जीवन में, छात्र राजनीति में मुझे प्रवेश लिया मैंने। एक छात्र राजनीति में जुझारू व्यक्तित्व था और उस समय वो किसी दल या उससे नहीं जुड़े थे, तो विद्यार्थी परिषद के सदस्य के रूप में मैंने उनको सदस्यता दिलाई थी और तब से विद्यार्थी परिषद के इतने स्ट्रॉन्ग कार्यकर्ता वो बने और आज उसकी परिणति विधायक के रूप में उनकी हुई। पूरन डावर हमारे एक बड़े भाई के मित्र थे और विद्यार्थी परिषद के एक अच्छे कार्यकर्ता, अच्छे नेताओं में से उस समय जाने जाते थे। उन्होंने मुझे विद्यार्थी परिषद का सदस्य बनाया। आगरा कॉलेज में पीपल का पेड़ एक ऐतिहासिक जगह है जहां पर खड़े हुए मेंबरशिप कर रहे थे। 54 यानी 25 पैसे में मेंबर बना करते थे छात्र संगठन के। योगेंद्र जी ने छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू कर दी थी। वो विद्यार्थी परिषद के एक कर्मठ स्वयंसेवक रहे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद के पोस्ट होल्डर बने गई। 72 में कॉलेज की राजनीति में आए, सूझबूझ से छात्रों की समस्याएं सुलझाएं, मेहनत लगन से छात्रों के संकट थे टाले, आगरा का भागीरथ कहते इन्हें आगरा वाले। संघर्षशील छात्र युवा मोर्चा के नाम पर मैंने एक मोर्चे का गठन किया जिसमें जितने भी आगरा के छात्र संगठन थे, NSUI, SFI, AISF, विद्यार्थी परिषद, इन सब के नेतृत्व को उसके झंडे के तले रखकर छात्र संघर्ष युवा मोर्चा, जिसका संयोजक था मैं, उस बैनर तले एक आंदोलन हुआ। फिर छात्र संघ के चुनाव हुए जिसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थी परिषद और छात्र युवा संघर्ष मोर्चा के लोग जीत कर आए। एक छात्र नेता के रूप में इन्होंने कई छात्र आंदोलनों का नेतृत्व किया और छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु कई धरने एवं प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। उसी दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा लगाई गई इमरजेंसी के विरोध में हुए भूमिगत आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका रही थी। योगेंद्र उपाध्याय जी से मेरे संबंध लगभग 27-28 वर्ष पुराने हैं। अगर मैं याद करूँ तो ये बात है 1990-91 के दिसंबर के महीने में आगरा में कर्फ्यू लगा था, कोहरा बहुत अधिक था और BSF के जवानों की गाड़ी रावली पुल के पास गड्ढे में, उसमें रेलवे लाइन के ऊपर गिर गई थी। उन जवानों की देखभाल करने के लिए मेडिकल कॉलेज से कुछ लोग मेरे पास लेकर आए और उनके खाने पीने का इंतज़ाम
नॉर्थ ईदगाह गुरुद्वारे की तरफ से करवाया गया, लेकिन उसके अलावा और कई तरह की उनको मदद की ज़रूरत थी। उस वक्त योगेंद्र उपाध्याय जी के मैं सक्रिय संपर्क में आया और उन्होंने हर तरह का जिम्मा, चाहे उनकी दवाइयाँ हों और लॉजिस्टिक्स हों, हर तरह का जिम्मा योगेंद्र जी ने उठाया था। एंड वो समय था जब मैं उनको एक अच्छे इंसान के रूप में समझ सका। 1980 में योगेंद्र उपाध्याय जी से मेरी मुलाकात हुई और एक नेक इंसान हैं। 1984 के अंदर जब सिख राइट्स हुए थे, मेरे घर के ऊपर लोगों ने हमला किया, योगेंद्र उपाध्याय जी मुझे और मेरे परिवार को मेरे घर से निकाल के ले गए। कॉलेज के दिनों में ही इनकी मुलाकात प्रीति जी से हुई और अपने परिवारों की रजामंदी के चलते 28 जनवरी 1984 को ये दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। शादी के पश्चात इन्होंने अपने राजनीतिक व पारिवारिक जीवन में खूबसूरत समन्वय बनाए रखा। अपनी सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के चलते एक सच्चे समाज सेवी और लोगों के सुख दुख में काम आने वाले नेता के रूप में अपने इलाके की जनता के बीच इनकी पहचान बन चुकी थी। इनके इलाके के लोग अब इनको किसी ऐसे पद पर देखना चाहते थे जहां रहकर ये जनहित में और ज्यादा और अच्छे तरीके से काम कर सकें। इसके बाद मैंने युवा राजनीति में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में मैं संगठन में काम करता रहा, भारतीय जनता युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष महानगर का, भाजपा में नगर मंत्री और महामंत्री, ये इन पदों पर रहता हुआ 1989 में मैंने पहली बार नगर महापालिका आगरा के पार्षद का चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक मतों से मेरी जीत हुई। पार्षद के पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में इन्होंने जनहित में कई ऐसे काम किए जिनसे जनता के दिलों में इनके प्रति इज्जत और निष्ठा और ज्यादा बढ़ गई। फिर मुझे पार्टी ने पार्षद दल का मुख्य सचेतक बनाया। उस दौरान एक बैप्टिस्ट स्कूल साईं की तकिया से लेकर ईदगाह कॉलोनी तक की रोड थी, जो कि वास्तव में तो PWD को बनानी थी, लेकिन चूंकि इलाके का पार्षद मैं था, मुझे लोग टोकते थे। वो रोड में सड़क नहीं थी, वो सड़क में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़क टटोलनी पड़ती थी। हमने देखा ये पार्षद थे उस टाइम पे साईं के तकिए से लेके ईदगाह तक एक सड़क अध बनी हुई थी। इन्होंने अपने प्रभाव और अपने प्रयास की कोशिश से उस सड़क का निर्माण करवाया। तो पहले सब्जी मंडी थी आशी पिटोले में, वो सब्जी मंडी हटाने के लिए कुछ भूमाफियाओं का और उस समय सत्ता समाजवादी पार्टी की थी, उन लोगों का अलिखित समझौता हुआ और वो हटाने लगे, तो उनको मैंने रोका वहाँ पर आंदोलन करके। जनता सुबह 6 बजे ही आ जाती थी, कार्यकर्ता आ जाते थे मिलने के लिए, चाहे वो घर पे हैं चाहे नहीं हैं, इंतज़ार करते थे लोग बैठे बैठे। एक ब्रिगेडियर शोनान सिंह करके आगरा में आए थे, जो कि कैंटोनमेंट के कमांडर थे, और उन्होंने इतनी तानाशाही कर दी कि कभी दलित बस्तियों को उजाड़ना, कभी मार्केट उजाड़ना, कभी लोगों के घरों को तोड़ना, वो अतिक्रमण के नाम पर बिना किसी कानून के दादागिरी इन्होंने शुरू कर दी। छिपीटोला एक आगरा छावनी में कैंटोनमेंट एरिया में जगह है, जहां अरिहंत मार्केट और महावीर मार्केट दो मार्केट थे, और उन दोनों मार्केट में लगभग 130 दुकानें थीं। उस 130 दुकानों को अनावश्यक रूप से, गैरकानूनी रूप से ब्रिगेडियर शोनान सिंह ने ये आदेश पारित कर दिया कि इसको तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये सेना की ज़मीन में है, जबकि वास्तव में वो सेना की ज़मीन में नहीं था। उस अरिहंत मार्केट की छत पर लगातार 4 दिन और रात 24 घंटे रमोकार मंत्र के जाप के नाम पर वहाँ पर एकत्रीकरण रहा और जनता को तैयार किया कि अगर सेना आएगी तो सेना से मुचेटा लिया जाएगा। अंततः सेना को जब ये मालूम पड़ गया
और उत्तर प्रदेश सरकार को मालूम पड़ गया कि वह सेना और जनता में टकराव हो जाएगा, और यह भी समझ में आ गया उत्तर प्रदेश सरकार को कि जनता सही है, ब्रिगेडियर गलत है, तो वहाँ पर वो मार्केट से सेना को वापस होना पड़ा, उनको अपना इरादा छोड़ना पड़ा। ये शिवनारायण सिंह की एक बहुत बड़ी हार थी और जनता की बहुत बड़ी जीत थी, जिसका नेतृत्व मैंने उस आंदोलन का किया था। यह सुंदर और साफ सुथरी सड़क आप जो देख रहे हैं, ये सन 2005 में विधायक जी ने बनवाया, जब उस समय मुसलमान, ये साइड में कब्रिस्तान है, तो उस समय मुसलमान यहाँ से पूरा बंद करना चाह रहे थे, तो उस समय काफ़ी जद्दोजहद झगड़ा हुआ, ऊधम हुआ, लेकिन कैसे भी विधायक जी ने अपने मेहनत से, अपने दम के प्रयास में ये सड़क बनवाई, और आज ये सड़क आम जनता के लिए बहुत सुकून का लाभदायक काम कर रही है। इस कार्यकाल के पूरा होने के पश्चात पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने इनके कंधों पर संगठन के कार्यों की जिम्मेदारी डाल दी, जिसके कारण ये सन 2012 तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे। इसके बाद मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करता रहा, क्योंकि उस सीट महिला रिजर्व हो गई थी, इसलिए वहाँ पर महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं चुनाव लड़ी, और फिर मैं भारतीय जनता पार्टी में काम करते करते प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा, भारतीय जनता पार्टी का छावनी परिषद निकाय का प्रदेश संयोजक रहा, और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी छावनी परिषद जहाँ जहाँ थे वहाँ पर जाकर छावनी परिषद निकाय को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मजबूत किया। इनके पार्टी हित में किए गए कार्यों और जनता के बीच इनकी लोकप्रियता को देखते हुए सन 2012 में हुए विधानसभा चुनावों में इन्हें पार्टी की तरफ से दक्षिण आगरा की सीट पर उम्मीदवार बनाया गया, और उस चुनाव में समाजवादी पार्टी की लहर होते हुए भी इन्होंने 24,500 मतों से शानदार जीत हासिल की। एक विधायक के तौर पर अपने इस कार्यकाल में इन्होंने जनहित में अनेकों कार्य किए। मैं आज बात कर रही हूँ आगरा के हमारे सर्वप्रिय नेता श्री योगेंद्र उपाध्याय जी के बारे में, कि वो मुझे अपनी माँ के समान मानते हैं और हमेशा मेरे को माँ जैसी ही इज्जत देते हैं, तो जब भी वो कुछ कार्य करते हैं मुझे बहुत खुशी होती है। उनके नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य के साथ साथ उनकी इस भावना से आपको पता लगेगा कि धर्म में उनकी कितनी आस्था है। कोई भी हमारे प्रोग्राम है, नगर कीर्तन है, और बड़े बड़े दीवान सजते हैं, उसमें टाइम देना, और गुरुद्वारा दुखनिवारण गुरु का ताल जो महाराज का ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ पर आके हाजिरी भरनी, पूर्णवासी वाले दिन बड़े जोड़ मेले जो लाखों की तादाद में जब संगत हाजिर होती है, उस समय भी हाजिरी भर के गुरु महाराज के चरणों में हाजिरी भर के गुरु की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, और सभी धर्मों के लोग इनसे प्यार करते हैं। जोगिंद्र उपाध्याय जी जहाँ भी जाते हैं इनको मान सम्मान इसलिए मिलता है, ये दूसरों का मान सम्मान करते हैं। आगरा की धार्मिक केंद्रीय संस्था श्री गुरु संघ सभा गुरुद्वारा माई थान, जो कि तकरीबन 500 साल पुरातन है, जिसको पिछले 18 साल में डिमोलिश करके गुरु महाराज जी के नए दरबार बनाए गए, जिसमें बहुत विशेष योगदान रहा माननीय श्री विधायक जोगेंद्र उपाध्याय जी का, जिन्होंने तन मन धन से अपनी सेवाएं देके इस स्थान को यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा योगदान दिया। पिछले कई सालों से हिंदू नववर्ष के अवसर पर ये मुरलीधर मनोहर के नाम से एक भव्य भजन संध्या का आयोजन करते चले आ रहे हैं। ये भजन संध्या आज आगरा का एक बहुत बड़ा आयोजन बन चुकी है। परमाणु से आगरा की जनता बड़ी बेसब्री से इस कार्यक्रम का इंतजार करती है। श्यामा प्यारी तुम ही सो में लागत नी को, तुम ही सो में लागत नी को, राधे अरी किशोरी यदि तुम ना हो तो मैं फीको फीको, रस यदि फीको हो तो कोई ग्रहण करे कोई ना करे। इसके अलावा एक नेता के तौर पर अपने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं की तरफ हमेशा इनका ध्यान रहता है। अपने 5 साल के कार्यकाल में लगभग 400 हैंडपंप, 400 सबमर्सिबल पंप और 150 हैंडपंप
और 100 के करीब रीबोर कराए, यानी हर तीसरे दिन अपने क्षेत्र के किसी न किसी एरिया में पानी की समस्या का एक निदान उपलब्ध कराया, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। जयपुर और प्रताप नगर की जो भी जन समस्या होती है, चाहे पेयजल की समस्या है, उसको वो तुरंत दूर करते हैं। मेरे ज्ञात में जो है कि जयपुर और प्रताप नगर में जो सबर सेविल और टंकियाँ लगाई गई हैं, 8-10 टंकियाँ लगाई हैं, सबर सेविल लगाई हैं। हमारे यहाँ 30 साल से लाइट नहीं थी, हमारे बच्चे बहुत परेशान थे। उपाध्याय जी की वजह से यह लाइट लगी, हमारे घर में रोशनी हुई और दीपावली बहुत खुशी से मनाई। बच्चे को पढ़ाई से भी बहुत सुविधा मिली, बच्चे पढ़ाई में और लाइट में पढ़ाई भी करते हैं। जो पानी की किल्लत थी उसके लिए माननीय विधायक जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया, और उस प्रयास के साथ में श्री जोगेंद्र उपाध्याय जी ने पानी की किल्लत को दूर किया, और उसके बाद में बहुत जगह पे समरसेवल लगाई गई, पुनदान के काम किए गए। पेयजल की समस्या आगरा क्षेत्र की मुख्य समस्या रही है, और इस समस्या के निदान हेतु कई बार यहाँ आंदोलन भी हुए हैं। विधायक बनने के बाद योगेंद्र उपाध्याय जी ने जनता की इस समस्या की गंभीरता को समझा और इसका निराकरण करने का निश्चय किया। आगरा में पानी की किल्लत बरसों बरस से थी, यानी ये कहना कि अगर अकबर के ज़माने से पानी की किल्लत रही तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। जब ये विधायक बने तो इन्होंने ये सोचा कि 100 काम में एक साथ नहीं करा सकता हूँ, मैं एक एक करके काम कराता हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले गंगाजल प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया, जिसकी कोशिश और प्रयास करके उसको ज़मीन पे ग्राउंड पे लेके आए। सन 2000 में कुछ इंजीनियर्स ने उसके लिए खोज की किस तरह से पानी की इस किल्लत को दूर किया जाए, तो एक प्रोजेक्ट बना। पहले वो माट से पानी लाने का था कि आगरे को माट से पानी मिले, लेकिन माट नहर पर 24 घंटे और 365 दिन ये पानी उपलब्ध नहीं था। तो फिर आगे योजना बनी कि पालड़ा, ये बुलंदशहर में एक स्थान है जहाँ हम खड़े हैं इस समय, यहाँ पर अपर कैनाल गंगा कैनाल है, इससे पानी लिया जाए जहाँ पर 24 घंटे और 365 दिन पानी उपलब्ध हो सकता है। तो इसको फिर इस प्रोजेक्ट को बढ़ाया गया। गंगा जल योजना जो उन्होंने बनाई है उसका तो आज आगरे की जनता उनका बहुत ही जो है एहसानमंद है, उनका बहुत ही उनको धन्यवाद देती है। दो हज़ार 2005 से इसकी शुरुआत हुई लगभग, और 2011 तक इसमें मात्र 7% काम हो सका। फिर दो वरिष्ठ नौकरशाही जो उत्तर प्रदेश सरकार की तत्कालीन सरकार की थी, उनके आपस के मतभेद और कई कतिपय कारणों से ये ऐसा लगने लगा कि प्रोजेक्ट कहीं ठंडे बस्ते में न चला जाए। 2012 में मैं विधानसभा में पहुंचा पहली बार विधायक बनकर, तो मैंने तत्कालीन नगर विकास मंत्री और तत्कालीन मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर चर्चा की, और तब इसमें गति पकड़ी। उन्होंने गंगा प्रोजेक्ट पे कई सालों से काम किया और काफ़ी उन्होंने मेहनत की, आखिर में उनकी मेहनत रंग लाई और वो कामयाब हुई। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। 2017 तक लगभग 65% काम इसमें हो चुका था, लेकिन बीच बीच में कई जनता द्वारा पैदा की ये समस्याएं, हर क्षेत्र से इतना लंबा क्षेत्र है, ये बोले पालड़ा से आगरा तक 130 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाकर वहाँ पानी पहुँचाने का एक दुष्कर कार्य था। तो उसके बीच में जितने भी ज़िले आते थे उन ज़िलों के कुछ किसानों की और जनता के द्वारा पैदा की परेशानियाँ, दूसरा उस क्षेत्र के जिला प्रशासन की उदासीनता कि वो जल निगम विभाग को अपना पूरा कॉपरेशन नहीं दे रहे थे जिससे कि समस्याओं का निदान जल्दी हो। आगरा के अंदर भयंकर पानी का संकट था, उसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और आगरा के अंदर गंगा जल लेके आए, उसके लिए सारा आगरा उनका आभारी है। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आप ये समझिए कि थाने स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक, सुप्रीम कोर्ट तक कई बार जाना पड़ा, उसमें बीच में 3 विभाग, नगर विकास विभाग, वन विभाग और राजस्व विभाग, इसकी परेशानियाँ आई। तीनों सचिवों को, प्रमुख सचिव तीनों विभागों के, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहकर, मुख्य सचिव जी से कहकर इकट्ठा बैठाया और उस समस्या का निदान कराया जो भूमि संबंधित आ रही थी कि कहीं पेड़ कट गए हैं। वन विभाग उसमें ऑब्जेक्शन करता था कि पेड़ कट गए हैं, इसके लिए हमारी ज़मीन का उपयोग किया गया। उन सब
परेशानी को दूर किया। जय गंगा मैया सुप्रीम कोर्ट ने 234 पेड़ काटने की अनुमति पर रोक लगा दी। उसमें भी मुझे सुप्रीम कोर्ट में एक बार जाना पड़ा। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर, जो हमारे विपक्ष में खड़ा हुआ था वकील, उसके बारे में बताया कि ये हरकत है उसकी, इस वजह से इस मामले को टाला जा रहा है, तारीख पर तारीख मिल रही हैं। और जिन मुद्दों को मैंने उठाया था उस पत्र के अगले ही तारीख पर उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई और हमको 234 पेड़ काटने की और उसके एवज में अलग पेड़ लगाने की अनुमति मिली, एक बहुत बड़ी बाधा दूर हुई। वो उन्होंने गंगा जल ला के आज जो भागीरथी कार्य किया है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आगरा की जनता की तरफ से। योगेंद्र उपाध्याय जी ने अपने प्रयासों से ये गंगा जल की व्यवस्था की तो हर घर में अब पानी गंगा जल मिलेगा, पानी की बजाय गंगा जल मिलेगा। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पहला पानी जीवो है जित हरिया सब कोए, उसके लिए इन्होंने दिन रात करके मेहनत करके जो गंगा जल हमारे आगरा में आ रहा है उसके लिए इन्होंने दिन रात करके एक, और जो गंगा जल जल्दी से जल्दी हमारे आगरा में आम जनता के लिए, लोगों के लिए पीने के लिए उपलब्ध हो जाएगा, ये इनकी बहुत बड़ी इसमें मेहनत है। आखिर योगेंद्र जी की मेहनत रंग लाई और 23 नवंबर 2018 को कार्तिक पूर्णिमा के शुभ दिन भूमिगत पाइपलाइन से 130 किलोमीटर लंबा सफर तय करके गंगा मैया आगरा शहर आ पहुंची। इस मौके पर आगरा की जनता ने हर्षोल्लास के साथ माँ गंगा का स्वागत किया और सामूहिक आरती की। हमारे दक्षिण विधानसभा के जुझारू विधायक श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी भाई साहब के अथक प्यास से आगरा को ये सौगात मिली है कि गंगा जल यहाँ पर आया है। आगरा को गंगा जल मिलना जो दिवासप्न प्रतीत होता था, आज वो दिवासप्न सपना साकार हो गया है विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी के प्रयासों से। जो काम माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी ने किया है उस काम के लिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। जिस तरह से भागीरथी ने पृथ्वी पे गंगा जल लाने का काम किया था, आज वही काम माननीय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी ने आगरा में गंगा लाने का लाकर सिद्ध किया है कि वो आगरा के भागीरथी हैं। यहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है और इस गंगा यमुना के संगम को करने के लिए हमारे विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी भागीरथ बने हैं। बुलंद शहर से आगरा लाए गंगा तोड़ के ताले, आगरा का भागीरथ कहते इन्हें आगरा वाले। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। आगरा को बहुत शीघ्र ही घर में गंगा जल मिलेगा, घर घर गंगे हर हर गंगे होगी। पंद्रह बीस सालों से आगरा दक्षिण विधानसभा की सड़कों की हालत ख़राब थी, पार्कों की हालत ख़राब थी, विकास के नाम पर शून्य था। यहाँ पर हम 25 साल से रह रहे हैं। जब हम शुरू में रहने आए थे तो यहाँ की सड़कों का बहुत बुरा हाल था, सड़क में गड्ढे ही गड्ढे थे, या कि ढूंढना पड़ता था कि गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, ये कहना मुश्किल था। लेकिन 2002 के बाद में जब यहाँ पर योगेंद्र उपाध्याय जी आए तो उन्होंने एडीए से लड़ झगड़ के, आंदोलन करके, अनशन करके, ये जैसे तैसे उनसे सड़क बनवाई, तो आज आप जो साफ़ सुथरी और बढ़िया सड़क बनी हुई देख रहे हैं ये विधायक जी की देन है। उसके बाद जब 2017 में चुनाव हुआ तो मुझे जब पिछले चुनाव में जहां 74,000 से कुछ ऊपर वोट मिला था, इस चुनाव में 1,16,000 वोट मिला। पिछली बार मैं लगभग 25,000 से जीता था, इस बार मैं लगभग 54,000 से चुनाव जीता, यानी 2.5 गुना मार्जिन। ये जनता का प्यार था जो मेरे कार्य का परिणाम जनता ने मुझे दिया। मैं उनके जुझारू व्यक्तित्व और आगरा के प्रति एक संवेदना और जो उनके कार्य के हैं, जिस तरह से उन्होंने लगन से गंगा प्रोजेक्ट को समय पर लाने की जो प्रयास किए, वो सराहनीय प्रयास है।
निश्चित रूप से आने वाले समय में वो एक बड़ी भागीदारी राजनीति में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अपने पास मदद की उम्मीद लेकर आए किसी भी व्यक्ति को ये निराश होकर नहीं जाने देते। हर किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं और उसकी समस्या का समाधान करते हैं। जनता की सेवा में रात दिन एक कर डाले, आगरा का भागीरथ कहते इन्हें आगरा वाले। चाहे राजनीतिक हो या सामाजिक, इनका परिवार हमेशा इनके साथ खड़ा रहता है। इनकी गैर मौजूदगी में इनके पुत्र या इनकी पत्नी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और यथासंभव उनकी मदद करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही मिसिस योगेंद्र उपाध्याय जी यानी प्रीति भाभी जी एक महिला के साथ आई थी। वो महिला उनके घर पर खाना बनाने का काम करती है। उनको ज्यों ही पता चला कि उसके पति को चोट लगी है, पति थोड़ा शराब का पीने का आदि है और वो अपनी देखभाल नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को लेकर प्रीति भाभी जी मेरे क्लिनिक पर आई और लगभग डेढ़ घंटा यहाँ मौजूद रही। जबकि दोपहर के खाने का वक्त था, मैंने कहा भी भाभी जी आप जाएँ, मैं इनको देख लूँगा, नहीं डॉक्टर साहब किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे करना है। और बातों बातों में जो मैंने उनके उद्गार देखे तो वो यही कहने लगे कि इनका हम नहीं देखभाल करेंगे तो कौन करेगा, अगर ईश्वर ने हमको इतना सक्षम बनाया। अपनी कार में लेकर आए, अपनी कार में लेकर हस्बैंड वाइफ को गई थी। इनकी पत्नी श्रीमती प्रीति उपाध्याय अपने पति के सामाजिक कार्यों में तो उनका हाथ बटाती ही हैं, इसके अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये कई समाजसेवी संस्थाओं में महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर रही हैं। संरक्षिका आशीर्वाद वेलफेयर सोसाइटी, संरक्षिका लीडर्स ग्रुप ऑफ आगरा, संरक्षिका नेत्रांजलि थिएटर ऑफ आर्ट्स, संरक्षिका साडा रंगला पंजाब, मार्गदर्शिका भारत विकास परिषद सुरभि शाखा एवं मातृमंडल सेवा भारती की सक्रिय सदस्य के रूप में ये निरंतर समाज की सेवा करती चली आ रही हैं। आगरा शिक्षा का हब बने और आगरा चिकित्सा का हब बने। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा मैंने कि आगरा का एसएन मेडिकल कॉलेज जो हिंदुस्तान के इतिहास का तीसरा प्राचीनतम मेडिकल कॉलेजों में है, आज दुर्दशा को प्राप्त है। उसके अपग्रेडेशन के लिए, उसमें सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए अनुमति दें, मेरे प्रयासों को थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाएँ। मुख्यमंत्री जी से मिला, मुख्यमंत्री जी को आगरा एसएन मेडिकल कॉलेज विजिट कराया। इसका परिणाम ये हुआ कि एक साल के अंदर केंद्र सरकार ने आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने की अनुमति प्रदान कर दी और प्रधानमंत्री की इस योजना में उसको शामिल कर लिया। इलाज के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी हमको दिल्ली या और बड़े बड़े शहरों में भागना पड़ता था, तो आने वाले समय में माननीय विधायक जोगेंद्र उपाध्याय जी के प्रयास से, समूह पार्टी के प्रयास से हो सकता है आगे आने वाले समय में हमको किसी भी इलाज के लिए आगरे से बाहर ना जाना पड़े। वो जितने भी इलाज हैं विशेष तौर पे एसएन हॉस्पिटल में ही हो। आई डिपार्टमेंट यानी आँख नेत्र विभाग की अपग्रेडेशन के लिए बजट भी प्रस्तुत हो गया है, इसको वर्टिकल आगे बढ़ाया जाए, इसका अपग्रेडेशन किया जाए। यहाँ कैंसर का, कार्डियो का, न्यूरो के नए और स्पेशल विभाग खोले जाएँ, इस सब के लिए प्रयासरत हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि इस 5 साल में इस काम को पूरा कर सकूँ। इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ समाज हित में इनके कई छोटे छोटे कार्य भी जारी हैं। योगेंद्र उपाध्याय जी शहर में हेल्थ कैंप लगाते हैं जिनमें दूर दूर से देहात के लोग आते हैं, उनका मुफ्त इलाज किया जाता है। स्वास्थ्य और चिकित्सा के अलावा इनका एक और मुख्य मुद्दा है शिक्षा। उसी सिलसिले में इन्होंने माइथान स्थित नगर पालिका के खंडहर हो चुके विद्यालय का पुनरुत्थान करने का मन बना रखा है। मैंने जो एजुकेशन हब बनाने की कोशिश की थी आगरा में, उसके लिए पहल की है कि इस साल अगर मेरे प्रयास रंग लाए तो आगरे में, क्योंकि आगरा शुरू से ही एजुकेशन का एक सेंटर रहा है और आगरा के लोगों को कहीं बाहर ना जाना पड़े, यहाँ के जो लोग रोजगार पर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं वो आगरा में ही करें, इसके लिए सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी है आगरा में DEI, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर बहुत सस्ते में उत्तम शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर सिलेक्शन भी टोटली मेरिट के आधार पर होता है, कोई सिफारिश नहीं, बहुत ही त्याग तपस्या के भावना से यहाँ के लोग शिक्षा देते हैं, तो इसको मैंने चुना इसके लिए। और मैं अपने
उच्च शिक्षा मंत्री और वर्तमान में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी को एक दौरा कराया, जो यहाँ पर कोर्सेज चल रहे हैं उनकी सीट्स बढ़ा दी जाएं और जो कोर्सेज यहाँ नहीं चल रहे हैं उन कोर्सेज की इनको अनुमति दी जाए, जिससे कि आगरा के आसपास के छात्र छात्राओं को यहाँ कहीं दूर ना जाना पड़े, यहीं पर शिक्षा, अच्छी शिक्षा, वोकेशनल शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा मिल सके, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगरा के आसपास का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से बहुत समृद्धशाली क्षेत्र है। ये जो पूरा क्षेत्र है कोसी से लेकर फिरोजाबाद तक, जहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की ये आर्थिक रीढ़ साबित होगा ये क्षेत्र, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और हम आने वाली पीढ़ियों को अपने प्राचीन गौरवशाली इतिहास से परिचय भी करा सकेंगे। एक ये मेरा अगला स्टेप है जिसको मैं करने की सोच रहा हूँ। योगेंद्र उपाध्याय जैसे कर्मठ और समाज एवं देश के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नेता आज के जमाने में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि इनके इलाके के लोग इन्हें दिलो जान से प्यार करते हैं। देश ही जिनका धर्म है, मिट्टी जिनका ईमान है, ऐसे वतन परस्तों से ही नाम हिंदू।